हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यार, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अमेजिंग DIY आइडिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल आइडिया है। सो ये मैंने बनाया है एक शू बॉक्स से, इतना प्यारा सा DIY। देखो कितना, मतलब कह सकते हैं कितना यूजफुल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यस, अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। ये थोड़ा मेरा इस बार थोड़ा मैंने सोचा नए स्टाइल में करते हैं, थोड़ा स्लो मोशन टाइप। तो यहाँ पर मैं पूरा ऐसे अच्छे से आपको वीडियो दिखाऊँगी एंड देन उसके बाद वीडियो को शुरू करूँगी। सो वीडियो को स्किप करके मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने बनाया है अपने नए ट्राइपॉड से और मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा था ढंग से, तो मैंने ये कुछ बनाया है। सो मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी अजीब लग रही है, मुझे कोल्ड है। तो ये रहा मेरे जूतों का डब्बा एंड यहाँ पे मैंने एक गीला सा कपड़ा लिया है और इसके ऊपर से मैं इसको ऐसे निकाल दूँगी एक अच्छे से टेक्सचर के लिए। यहाँ मैंने पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन खींची है जहाँ टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और मैंने मेजरमेंट लिया है 4.5 सेंटीमीटर, जो मैं वीव करूँगी ना, बास्केट वीव बोलते हैं जिसे, तो मैं वो करूँगी। सो यहाँ पे मैं सभी को इसी शेप में, इसी साइज़ में कट करूँगी। तो यहाँ मैंने ये अच्छे से कट कर लिया है और ये मेरा बड़ा सा फेविकोल का डब्बा, और मेरे पास ये लकड़ी वाली चम्मच थी उसका यूज़ करके मैंने ये बनाया है। और यहाँ पे मैं सभी को अच्छे से, जितने भी मेरे पास है ये लेआउट्स, इनको मैं अच्छे से फेविकॉल की हेल्प से चारों तरफ से मैं इनको ऐसे अच्छे से लगा दूँगी। ये थोड़ा थोड़ा ना परेशान कर रहे थे, ढंग से लग नहीं रहे थे, तो मैंने ना इनके ऊपर क्लिप लगा दी, तो ये ना आराम से चिपक गए। तो कहीं पे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा सा हो गया था, पता नहीं क्या, एक साइड से, तो वहाँ मैंने छोटा सा ही यूज़ करा था, तो ये चारों तरफ से हो जाएगा। और ये पता है सर्कल वाला आता है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो ये बहुत ही आसानी से हम इसको चिपका देंगे। तो जी, हमारे जो भी चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाएगा, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे वीव करना। वीव करना बहुत ही आसान होता है, एक तरफ से चिपकाना है, ये मैंने चिपका दिया, इधर से वीव करना शुरू कर दिया, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब हमें ना पूरा ऐसे ही कवर करना है पूरा अच्छे से। तो जब ये हमारा वीव कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारे नीचे लटक रहा था पे अच्छे से फैब्रिक लगानी है और उनको ऐसे चिपका देना है नीचे में। तो ये यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया है, और कुछ कुछ है जो नहीं हुए हैं, तो उन सबको हम फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो, ग्लू गन भी बहुत ही इजी है, उससे बहुत जल्दी से स्टिक हो जाएगा, बट फेविकॉल से थोड़ा सा टाइम लगता है और फिनिशिंग फेविकॉल से थोड़ी अच्छी आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से चिपका दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो, जैसे कि इसका जो नीचे का बेस था ना, वहाँ पे अच्छे से फेविकॉल लगा के इन सबको मैंने अच्छे से चिपका दिया है, और ये इनको अच्छे से जिससे चिपक जाए, तो इसके अंदर मैंने ये रख दिया है थोड़ा सा सामान, यहाँ पे फेविकॉल और ये ऐसे मेरे पास रफली कुछ भी पड़ा था, तो ये मैं यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक कपड़ा, तो मैं उसको उल्टी साइड से मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है उल्टी साइड से, ठीक है। फिर क्योंकि हम उसको अंदर से टर्न करेंगे ना, तो वो थोड़ा सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पेपर बैग, पेपर बैग में जो ये आते हैं ना पकड़ने के लिए हैंडल्स, ये मैंने निकाल लिए हैं इनको, क्योंकि मैं यूज़ करूँगी, और यहाँ पर जो कि हमने कपड़ा लगाया हुआ था उसके अंदर नीचे में चिपकाने के लिए, यहाँ पे मैं एक वही पेपर यूज़ कर रही हूँ जिससे एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा दिख रहा है ना, इसलिए।
तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल की हेल्प से वो नीचे का बेस भी लगा दिया और ये हैंडल्स भी मैंने लगा दिया है, जिसको मैंने दोनों तरफ से कवर करा है ये ही सेम पेपर से। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक एंड मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। तो डोंट फॉरगेट to subscribe my channel and like my video and also please comment आपको वीडियो कैसा लगा। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यार थोड़ा सा ना ये मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ही बकवास आ रही होगी। चलो कोई नहीं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।